जय हिंद, मैं तस्नीम सैफी। एंड जैसे कि आप जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड विद द एसएससी बोर्ड क्लास 10 लेसन नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आगे बढ़ते हुए, यू नो स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग दिस अकॉर्डिंग टू द एसएससी टेक्स्ट बुक। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा मटेरियल है, एग्जाम्पल्स है, और वो भी मैं दे सकती हूँ। बट स्टिल आई हैव ट्राइड दिस स्टडी फ्रॉम होम फॉर द एसएससी बोर्ड स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन टॉपिक एंड द कंटेंट रिलेटेड टू द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक ओनली। तो ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से जितना कंटेंट उसमें है, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, उतनी ही चीज़ों का मैंने एक्सप्लेनेशन लेसन वाइज, पेज वाइज, पैराग्राफ वाइज आपको देने की कोशिश की है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट लाइक दैट कि एग्जाम्पल्स एंड मोर थिंग्स आई एम नॉट टेलिंग। आई एम ओनली टेकिंग द पार्ट विच इज़ इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक। सो दैट्स व्हाई नाउ मूविंग अहेड, लास्ट टाइम वी हैव सीन about the electronic configuration, and you know that the electronic configuration, it is nothing but the number of electrons present in the different shell. We have already studied, which is already given by the scientists Niels Bohr and Bohri. They have given about the electronic configuration and the arrangement of electrons in a proper position. After that, we have seen little bit recap I am doing. So, how the electrons are arranged in the particular orbits or the shell orbit, ya to shell bhi keh sakte hai. And each shell is having its energy level as well as the capacity of the electron. So, depending on that and with the help of electrons which is present in the shell, that is the K shell is having the capacity 2. L is having the capacity 8, M is having the capacity 18, and N is having the capacity 32. On that basis, now moving ahead, how the electrons are arranged in the particular order we have seen. If you will see the electrons from top to bottom, or not electrons, the elements arranged in periodic table from top to bottom, the shells are increasing. Yahan par electrons ke saath har नेक्स्ट एलिमेंट में एक एक शेल की इंक्रीज होता है। एंड इफ यू विल सी द हॉरिजॉन्टली, और इफ इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। शेल इंक्रीज नहीं होते हैं, बल्कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न यू विल सी हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन द शेल। सो दिस इज हाउ फ्यू एग्जाम्पल आई हैव टेकन टू शो यू हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन द शेल। नाउ मूविंग अहेड, हाउ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज, यू कैन से, अरेंज्ड फॉर द एलिमेंट्स, एंड हाउ इट इज हेल्पफुल, दैट वी आर गोइंग टू सी विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड। अ पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? सो पीरियोडिक ट्रेंड, इट इज नथिंग बट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, नेम एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, देन वैलेंसी एंड द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए एवरी प्रॉपर्टीज ऑफ अ एलिमेंट इन द ग्रुप और अ पीरियड, दे शोज सम सर्टन रेगुलरिटी बिटवीन द एलिमेंट्स। और यही रेगुलरिटी क्या है, वही बताते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। सो नाउ इन दिस पीरियोडिक ट्रेंड द फर्स्ट कम, दैट इज द वैलेंसी। In 8, 10, 9 detail we have seen about the valency, but again we will do the recap. So valency is nothing but the outermost shell. Outermost shell mein jitne electrons hote hai, that is the valence electron. Depending on that valence electron, how many electrons will lose or gain, kitne electron share hote hai, उस पर डिपेंड होती है, दैट इज द वैलेंसी। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज हैविंग द रिलेशन बिटवीन द वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की वजह से ही पता चलता है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। सो लास्ट टाइम वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन।
सो सोडियम और क्लोरीन वो दोनों अपने लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन किस तरह से शेयर करते हैं, दैट इज वन इलेक्ट्रॉन दे आर शेयरिंग एंड दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज वन. सो ये ट्रेंड किस तरह से लिखा जाता है, एक एग्जांपल लेते हैं. नाउ सपोज वी आर कंसीडरिंग हियर सोडियम और यू कैन से पोटेशियम और कैल्शियम, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. हियर आई हैव टेकन दैट इज के, इट इज नथिंग बट द पोटेशियम एंड पोटेशियम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2881. अब ये आउटर मोस्ट शेल देखेंगे. सो दिस इज द लास्ट शेल इज नथिंग बट द आउटर मोस्ट शेल. इन आउटर मोस्ट शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, वन इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सो ये वन वैलेंसी नहीं है, वो कितने लूज और गेन करते हैं आउटर मोस्ट शेल से वो वैलेंसी होती है. सो यू नो दैट 1, 2, 3, 4 till 4 electrons we can lose or we can gain the electrons and that makes the stability of the element. तो 1, 2, 3, 4 तक ही हम इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं या ले सकते हैं. सो हियर द मिनिमम वैल्यू दैट इज फ्रॉम 1, 2, 3, 4 इज द 1. सो 1 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम कैन डोनेट, पोटेशियम कैन लूज, पोटेशियम कैन गिव. सो दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज 1. सो इन दिस वे दिस वैलेंसी इज 1. सो दिस इज हाउ द वैलेंसी इज हेल्पफुल फॉर द अरेंजिंग elements in the periodic table. अब ये किस तरह से है, so you know that if we will see here all the electrons are arranged in the particular shell in their orbit. So this is the last shell where the red color dot or the red color electron you are seeing, this is nothing but the valence electron and that shows the trend, that is the giving or the sharing of the element. So in this way you will see that how the valency is helpful. Now moving ahead from the valency to the atomic size of the element. Ab valency to ho gaya ki kaise valency helpful hoti hai. Now atomic size. Now atomic size you have studied in the previous standard how the atoms and its size are detailed study in the atomic structure in 8th standard and 9th standard. So it is nothing but the fundamental property of the matter. Atomic size kya hai? The fundamental property of the matter or that size or the volume of the fundamental property of the matter. So ye jo size hoti hai, this is indicated by the radius because it is in the circular form and the electrons which is present in this particular shell or orbit wo batata hai, tay karta hai ki radius kaise hota hai. So now suppose these are the four shell of any element. If any element is having four shell, so outermost shell from middle till outermost shell is nothing but the radius of that element. So यहाँ middle से लेकर यहाँ, जैसे कि हम कोई भी circle में देखते हैं कि radius of the circle कैसे होता है, from the center of the circle till one end of the circle. So यहाँ पर भी वही concept है, from the center of this particular element till the last shell of the element, जहाँ पर last आखिरी valence electron होते हैं, till there how much distance or how much this particular part, this radius is there, that is nothing but the atomic size of an element. तो ये atomic size जो होता है वो nucleus से last shell तक गिना जाता है. So this is what atomic size. You know that the nanometer, we have learned about the nanometer, और इससे भी छोटा होता है picometer, that is PM. So atomic radius is expressed, that is unit picometer PM. So one picometer is nothing but (10^-12) meter. So 10^-12 meter, 1 picometer is nothing but 10^-12 meter. So इस तरह से elements की radius दिखाई जाती है. अब ये radius तय करता है कि ये left to right and top to bottom किस तरह से होता है. So now you will see here I have taken one example from the periodic table, one group or one period you can say कि किस तरह से ये atomic size prefer करता है. So now here the elements. Now here one table I have taken, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen and oxygen. So now here the lithium is having the atomic size, that is you can say radius, atomic radius 152,
इट बेरिलियम 111, बोरॉन 88, कार्बन 77, नाइट्रोजन 74, ऑक्सीजन 66. So from left to right, you will see the numbers are going on decreasing. So the atomic radius from left to right goes on decreasing. इस order में ये decreasing order में होता है क्यों? Because from left to right, last session we have seen कि वहाँ पर shells नहीं बढ़ते हैं, number of electrons बढ़ते हैं. अब number of electrons बढ़ गया मतलब charge बढ़ गया. चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी. सो व्हाट इज द चार्ज? देर आर टू चार्जेस इन द एटम, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन दैट इज नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन दैट इज निगेटिव चार्ज. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस तरह से बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी दैट इज द चार्ज बढ़ जाता है. एंड If in the last shell the number of electrons are increasing, यहाँ पर shell तो उतने ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया. देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड दे ट्राई टू स्क्वीज देमसेल्फ, वो अपनी तरफ उन्हें खींचना शुरू कर देते हैं. एंड इन दैट वे यू विल सी दैट हाउ दे पुल टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो अपनी तरफ एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचते हैं. एंड दिस इज हाउ द रेडियस स्क्वीजेस, और दैट्स व्हाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू विल सी दैट द रेडियस इज डिक्रीजिंग, वो स्क्वीज होते हैं बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड द निगेटिव चार्ज. एंड यू नो दैट द मोस्ट नेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नथिंग बट द फ्लोरीन एंड सीजियम, ये बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. नाउ नेक्स्ट ट्रेंड वी विल मूव टुवर्ड्स, दैट इज अनदर एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. नाउ फ्रॉम टॉप टू बॉटम द सेम एग्जांपल फ्रॉम दैट आई हैव टेकन अनदर ग्रुप. नाउ यू विल सी हियर दिस इज द एलिमेंट लिथियम 152, सोडियम 186, पोटेशियम 231. इन दिस वे 152, 186, 231, 244, 262. तो आपको यहाँ पर क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है? हियर इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर. दिस शोज दैट द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है. क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलॉन्ग विद दैट द शेल्स आर इंक्रीज. जैसे कि हमने पहले देखा था कि व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो एक 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 शेल इंक्रीज होता है. सो व्हेन द शेल इज इंक्रीजिंग नेचुरली द पॉजिटिव चार्ज एंड द निगेटिव चार्ज दे लिटिल बिट गो अपार्ट एंड द लास्ट वन दैट इज द वैलेंस शेल. वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो और ये पॉजिटिव चार्ज में डिस्टेंस बढ़ जाता है. डिस्टेंस बढ़ जाता है तो नेचुरली उनके बीच में का अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ हियर देयर इज अ अट्रैक्शन अमंग द लास्ट शेल एंड पॉजिटिव चार्ज इज लेस. दैट्स व्हाई व्हाट हैपन फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रेडियस इज इंक्रीजिंग. इन दिस वे द एटॉमिक साइज of the elements are given in the textbook, how it is increasing and how it is decreasing from left to right and top to bottom. So this is what the details about the periodic trend in valency and atomic size. Few more are there that we will see in the next part. I hope you understood this topic and you liked it. If you like it, please share it, like it.